नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास एम वॉज स्लोली पुल्ड अप, जैसे क्वेश्चन है और डायग्राम दिया है आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक एम जो है मास का पार्टिकल, वो उसको एफ फोर्स से ऐसे पुल किया और ऊपर तक ले गए, इसकी हाइट एफ एच है। अब बताओ सारी सरफेस स्मूथ है, इसका मतलब क्या? जब भी आप सुनते हो सारी सरफेस स्मूथ है तो एक वर्ड ही आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, क्या है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, तो एकदम बेसिक सी बात है। अब अगर उसको फ्रिक्शनलेस सरफेस है और ऊपर ले गए तो कौन से दो फोर्स वर्क कर रहे हैं? एक तो ये जो एफ वाला फोर्स है वो खुद वर्क कर रहा है, और दूसरा ये ग्रेविटेशनल वाला फोर्स है, ग्रेविटी वाली है, वो वर्क कर रहा है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक चीज़ बताई थी, देख लेना आप हो सके तो, कि वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू डेल्टा के, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पे जब भी ये लिख रहे हैं, ये देखो ये आपको ये रिलेट करने आनी चाहिए चीज़ कि ये मतलब जो स्मूथ है वो तो फ्रिक्शनलेस होगा, ठीक है, और स्लोली की बात करेंगे, जब भी किसी पार्टिकल को बोलेंगे कि स्लोली ले रहा जा रहा है, इसका मतलब क्या? उसका डेल्टा के जीरो है हमेशा, स्लोली ले जा रहे हैं मतलब डेल्टा के जीरो है, क्योंकि स्लोली ले जा रहे हैं मतलब उसके स्पीड ही जीरो है, तो चेंज इन स्पीड क्या होगा? जीरो ही होगा ऑब्वियसली, एकदम धीरे धीरे से ले जा रहे हैं, मतलब हर एक मोमेंट पे उसका फोर्स बैलेंस है। तो डेल्टा के जीरो है मतलब क्या होगा? वर्क डन बाय ऑल जीरो होगा, तो वर्क डन बाय ऑल जीरो होगा। आप मुझे बताओ, सिंपल सी बात है, ग्रेविटी का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? जीरो यहाँ से लेके एच हाइट तक ले गए, तो ये पहली बात तो ये बताओ कि ग्रेविटी क्या पॉजिटिव वर्क करेगी या नेगेटिव वर्क करेगी? अब कोई लोग ये मत सोचना कि ऊपर जा रहे तो पॉजिटिव वर्क करेगी, वर्क डन के पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसका सिंपल तरीका क्या है, अगर फोर्स और उनका जो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन पॉजिटिव है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव है, सिंपल सी बात ही। तो ग्रेविटी का फोर्स तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, जब ये पार्टिकल जा रहा है ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी का वर्क डन मतलब अपोजिट हो गए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन ग्रेविटी का कितना होगा? नेगेटिव होगा, वो भी कितना होगा? माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना होता है ग्रेविटी का? एम जी, सबको पता है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? एच, तो माइनस एम जी एच वर्क डन अगर ग्रेविटी का है। तो यहाँ पे वर्क डन कौन कर रहा है? ये वर्क डन बाय फोर्स और वर्क डन बाय ग्रेविटी दोनों का मिला के जीरो है, उसमें से वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर माइनस एम जी एच है तो वर्क डन बाय फोर्स कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय फोर्स माइनस एम जी एच जीरो हो गया, तो वर्क डन बाय फोर्स हो गया, सिंपल से बात है एम जी एच। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। एम जी एल मत करना, इसके लेंथ पहले एल दिए, ये पूरी जो लेंथ है ये एल दिए, एम जी एल नहीं होगा, क्योंकि जो ग्रेविटी का वर्क डन है वो तो हाइट पे डिपेंड करता है, उसको नहीं पता वो कैसे लेके जाए, जितनी हाइट उस पर डिपेंड करता है, और ग्रेविटी का जो वर्क होगा उसका अपोजिट ही वर्क किसका होगा? फोर्स का होगा, क्योंकि नेट वर्क डन जीरो है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल, रॉड है जिसका मास एम है लेंथ एल है, वो जमीन पे पड़ा था शांति से, अब किसी को मस्ती सूझी तो उसको खड़ा कर दिया, जो रॉड था ऐसे जमीन पे पड़ा था, तो किसी ने दूसरी सिचुएशन में क्या हो गया, ये रॉड ऐसे खड़ा हो गया, तो वर्क डन ऑन मेकिंग इट स्टैंड ऑन वन एंड विल बी, तो बताओ अभी हमने सीखा था कि वर्क डन ग्रेविटी करेगी, कितना करेगी? नेगेटिव करेगी, एक इसमें क्योंकि ऊपर जा रहा है, जब भी कोई पार्टिकल ऊपर जाएगा नेगेटिव करेगी। तो हमने देखा था, अगर सिंपल सी बात है, एक कोई बॉल है, बॉल यहाँ पे ग्राउंड पे था और एच हाइट पे गया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा माइनस एम जी एच, तो किसी और को कितना वर्क डन करना पड़ेगा इसके लिए? एम जी एच। तो ये बॉल तो एक पॉइंट सरफेस है, उसकी लोकेशन फिक्स थी, पहले यहाँ पे था बाद में यहाँ पे चला गया, लेकिन ये रॉड तो पहले उसका पूरा का उसके अगर वर्टिकल में देखेंगे, वर्टिकल एक्सिस में, वाई एक्सिस में, तो पूरा का पूरा जीरो जीरो पे था, वाई इज इक्वल टू जीरो पे था, बट अब जब वो स्टैंड अप पोजिशन पे है तो एक पॉइंट उसका जीरो पे है, एक पॉइंट उसका इधर है ऊपर है, एक एल बाई टू पे है, एक एल पे है, तो मैं क्या बोलूँगा? अगर मैं ये बॉल था तो वो डायरेक्टली एच हाइट ऊपर गया, तो मैंने बोल दिया कि एम जी एच हो गया ग्रेविटी का मतलब माइनस एम जी एच ग्रेविटी का वर्क हो गया, तो यहाँ पे तो पूरा रॉड का एक कोई पॉइंट नहीं मानेंगे ना, तो क्या करेंगे इसमें पूरे रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है उसको हम कंसिडर करेंगे कि वही अपना पूरा रॉड का जो मास है वहीं पे कंसंट्रेटेड है, यही कंसेप्ट होता है सेंटर ऑफ मास का। तो पूरे जो रॉड है उसका मास हम मान लेंगे कि एल बाई टू मतलब उसके बीचों बीच है, तो उस ये वाला पॉइंट पहले तो जीरो पे था, बट जब वो स्टैंड अप पोजीशन पे आ गया तो ग्राउंड से कितना डिस्टेंस दूर होगा? ऑब्वियस सी बात है एल बाई टू होता है सेंटर ऑफ मास रॉड का, उसमें कोई सवाल ही नहीं है, पूरा जो एल है सेंटर ऑफ मास मतलब उसके बीच में, अगर उसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब हमेशा सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का जो सेंटर ऑफ मास है उसके बीच में ही आएगा, ये पढ़ाई होगा आपने, तो एल बाई टू ऊपर गया उसका सेंटर ऑफ मास, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? माइनस एम जी एल बाई टू, तो एक्सटर्नल फोर्स को वर्क डन कितना करना पड़ेगा?
प्लस एम जे एल बाई टू, ये आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। ये माइनस का एम प्लस क्यू कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ग्रेविटी तो नेगेटिव वर्क कर रही है क्योंकि उसका फोर्स नीचे लग रहा है जहाँ ऊपर रहा है, बट जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको ग्रेविटी जो नेगेटिव वर्क कर रहा है उसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, तभी नेट वर्क डन में ऑल जीरो होगा, क्योंकि डेल्टा के जो होता है वो जीरो होता है। ये फंडा है और कुछ नहीं है ये चैप्टर में। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। द पॉइंट टर्न रीडिंग वर्सेस लोड ग्राफ फॉर लोडिंग स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बेल में क्या, स्प्रिंग बैलेंस क्या क्या फंडा है? स्प्रिंग बैलेंस में एक चीज होती है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, मतलब ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग को अगर मैं बाहर की तरफ खींचता हूँ तो स्प्रिंग मेरे को मतलब अंदर की तरफ खींचेगी, स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचेगी तो स्प्रिंग क्या चाहेगी कि अंदर है, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स आता है स्प्रिंग में उसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, जितना बार खींचोगे उसके प्रोपोर्शनल में होगी डायरेक्टली, और मल्टीप्लाई बाय ये के होता है उसकी वैल्यू, उसको बोलते हैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। ये सब भी बेसिक्स चीज है। तो ये जो ग्राफ दिया है उसमें जो एक्स एक्सिस पे आप देख सकोगे, तो एक्स एक्सिस पे क्या है, लोड है, मतलब एफ है, और वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स की वैल्यू है, मतलब मुझे अगर उसका स्लोप निकालूंगा तो क्या होगा, एक्स बाई एफ, एक्स बाई एफ मतलब वो वैल्यू मुझे मिलेगी 1 बाई के की। स्लोप हमेशा क्या होता है, वाई बाई एक्स होता है ना, तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे उन्होंने एक्सटेंशन दिया है मतलब एक्स, और एक्स एक्सिस पे उन्होंने फोर्स दिया मतलब एफ, तो एक्स बाई एफ की वैल्यू निकाल दूँ तो कितना होगा इसका स्लोप, 10 बाई 1 होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे वो 10 है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे 1 है, तो 1 बाई के की वैल्यू मुझे मिल गई 10, तो के की वैल्यू कितनी मिल गई 1 बाई 10, जो भी यूनिट दिया है के जी एफ पर सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 10 मतलब 0.1। देखो 10 और 0.1 में कन्फ्यूज नहीं होना, आपको पता है के की वैल्यू क्या होगी, हमेशा एफ बाई के होगी। एफ कौन सी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, एक्स कौन सी एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, मतलब एक्स यहाँ पे एक्सटेंशन है, एक्स एक्सिस वाला एक्स नहीं, एक्सटेंशन वाई एक्सिस पे और फोर्स एक्स एक्सिस पे, तो फोर्स बाई एक्स करूँगा तो मुझे स्प्रिंग कॉन्स्टेंट मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ठीक है फ्रेंड, एफ बाई एक्स कर लूँगा मतलब एक्स एक्सिस बाई वाई एक्सिस, मतलब 1 बाई 10 क्या हो जाएगा 0.1। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, द मोमेंटम ऑफ बॉडी द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज पी एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी ई। अगर मोमेंटम 2p हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, चलो इसके ऊपर बहुत बड़ी लंबी डिस्कशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर, और किसको पता है। अब मुझे के ई और मोमेंटम के बीच में रिलेशन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मोमेंटम तो पता है आपको पी इज इक्वल टू एम वी होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मेरी मर्जी, तो के ई क्या हो गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m, और एम स्क्वायर वी स्क्वायर यहाँ से देखो p इज इक्वल टू एम वी था फ्रेंड्स, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्या मिल गया मुझे, पी स्क्वायर बाई 2m। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये बताओ के ई अगर मोमेंटम उसका p था तो काइनेटिक एनर्जी के ई थी, अगर मोमेंटम को मैंने डबल कर दिया तो ये उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है, तो क्या हो जाएगा, जब भी किसी चीज़ को स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होते डबल करेंगे तो 4 times हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि के डेस को अगर आपको सॉल्व करना है तो बता देता हूँ, के डेस को क्या लिखूंगा, पी डेस स्क्वायर बाई 2m, ये लॉजिकल है क्योंकि, और पी डेस की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 2p, तो 2p होल स्क्वायर करूंगा 2p बाई 2m, तो क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा, और पी स्क्वायर बाई 2m तो क्या था, e था, यहाँ पे देख लो तो क्या हो गया, e डेस कितना आ गया 4e आ गया। चलो अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप मुझे ये बताओ, आपने एरर एंड एरर वाले चैप्टर में ये पढ़ा होगा, यूनिट्स एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में, कि जो एरर होता है अगर पी के अंदर एरर 1% होता और तो मैं पूछता अगर काइनेटिक एनर्जी का एरर बताओ तो कितना बोलते, आपको पता होना चाहिए 2% बोलते, क्योंकि जब भी ऐसा होता है के ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m तो क्या लिखते हैं, डेल्टा ई बाई ई परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 2 डेल्टा p बाई p, आपको पता होगा, जैसे ये चीज़ है c इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ऐसा कोई फॉर्मूला बना दिया हाइपोथेटिकल, तो डेल्टा c बाई सी इज इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस 2 डेल्टा b बाई पी, याद रख।